तो आप सभी लोग भगवान करे इतना आगे बढ़े कि आपके पेरेंट्स जो आज इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे बताऊं मैं आपको कि शायद आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में, मतलब ऐसे समय तो हमेशा ही टफ रहता ही है, लेकिन प्रेजेंट डेट में, आज की डेट में महंगाई एंड ऑल सारी चीजें करना और आप लोगों की इच्छाएं पूरी करना आज की डेट में इतना आसान नहीं है। मैं कमाने के बाद मैं अपने को नहीं कर पाता हूँ पूरा, मतलब ऐसा लगता है कि यार छूट ही जाता है कुछ ना कुछ। तो वहां से अपने लिए काट के अपने बच्चों के लिए करना, तो आपके पेरेंट्स का जो सेक्रीफाइस है आज की डेट में, हमारे पेरेंट्स ने भी किया ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन यस, क्योंकि उस समय हमें नहीं पता था कि उस समय कमाना कितना मुश्किल है और जॉब पाना कितना मुश्किल है, गांव से निकल के शहर में आना कितना मुश्किल है, और शहर में ना ही आपके पास कोई मोबाइल ऐप है, ठीक है, कि कैब बुक हो जाएगी या फिर राशन आ जाएगा या दूध आ जाएगा, आपको अपने ऑफिस टाइम में ही वो सारी चीजें भी मैनेज करनी है, और ना ही आपके पास मेट्रो है, ना ही आपके पास इतनी उस समय कार और बाइक इतनी ज्यादा होती थी, साइकिल से आपको ट्रेवल करना है, तो वो स्ट्रगल भी एक अपना स्ट्रगल था। तो मैं आप सभी लोगों से यही बोलूंगा कि बेटा कि आप लोग इतना पढ़ाई करें, इतना अच्छे से आगे बढ़े, फिर पढ़ाई से सब कुछ नहीं होगा, एक अच्छे इंसान भी बने, और एक एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपके पास फिर से डिसीजन होगा कि क्या आप पढ़ाई ही करना चाहते हैं कुछ और करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके, तो आप वो डिसाइड तब करें जब आपका एक बार एग्जाम हो जाए, आपकी रैंक आ जाए, आपका कॉलेज फिक्स हो जाए, देन यू आर फ्री टू डिसाइड, ठीक है। लेकिन यस, आप शायद सोच भी नहीं सकते कि आपके पेरेंट्स कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, वो अभी इस समय आज बहुत जगह पे, बहुत सारी एरियाज में तो बारिश हो रही है, ठीक है, कैसे वो भीग के गए होंगे, कैसे वो परेशान होके गए होंगे कि आप चुपचाप अपनी पढ़ाई कर पाए। प्लीज उस चीज का रिस्पेक्ट करना बेटा, और हमेशा कोशिश करना कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाए। उसका एक बहुत आसान तरीका है, दैट इज बाय स्टडिंग। आपको बस अपने समय को अच्छे से मैनेज करना है और पढ़ाई करते रहे। सर ये आसान तो नहीं है, मुश्किलें आती हैं, तो मुश्किलें हर चीज में आएंगी, लेकिन कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं कि आज आपको मैं कह दूं कि जाओ भाई आप काम करके पैसा कमाओ और पेरेंट्स को सपोर्ट करो, आप कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ। तो ये एक ऐसा जरिया है, अगर आप इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसको ढंग से फॉलो करते हैं, तो आप लाइफ में वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पर आपके पेरेंट्स चाहते हैं, आप चाहते हैं, और आप अपने पेरेंट्स को वैसा कंफर्ट दे सके। और 11,648 रैंक आई हमारी। मैं ऐसी देख रहा था केमिस्ट्री अब कितनी याद है मेरे, तरह क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे, इनकरेक्ट मेरे 4 है, स्किप्ड मैंने 54, एक्यूरेसी 80.95% अभी भी मैं मेंटेन कर रहा हूं केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ्स भाई नहीं आती हमें, ठीक है, फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम